आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि झारखंड विकास के दृष्टिकोण से अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है और हमारे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिले आकांक्षी जिलों की सूची में आते हैं और ये दोनों जिले आपके प्रदेश जहां से आप आते हैं उसकी सीमा पर स्थित हैं, दूसरी ओर बिहार की सीमा पर स्थित है और छत्तीसगढ़ की सीमा से उनकी उसकी सीमा जुड़ती है। यहां सबसे बड़ी समस्या पलायनवाद की है और आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी वहां पर किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री नहीं खुली, कोई उद्योग धंधा नहीं लगा। तो इस समस्या के निजात के लिए आवश्यक है कि जो वहाँ पर जमीन की अनुपलब्धता है जिसके चलते फैक्ट्री नहीं लग रही है और ये जमीन की उपलब्धता और जमीन को इस तरह से उपलब्ध कराया जा सकता है कि आज जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत जंगल और झाड़ को वो उस वहाँ के फॉरेस्ट एक्ट के प्रावधान में दिखा दिया गया है जिसके चलते फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हो रही है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है ताकि जमीन की उपलब्धता हो सके और फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो सके और वहाँ के रोजगार, वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके और उस राज्य का उत्थान हो सके, साथ साथ हमारे आर्थिक विकास हो सके।